इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा।
जिंदगी बचाने के लिए ताकत ही नहीं पहाड़ सा जिगरा भी चाहिए। शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो लड़कर लोगों को दुख नहीं पहुंचाती, बल्कि आपदाओं के सामने अड़कर लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती है। आसमान से ऊंचे हौसले वाली ये फोर्स अगर ना होती तो वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग शहर भयानक आग में जलकर खाक हो चुका होता। आग बुझाने वाले दल का नेतृत्व खुद गुरु जी ने किया। देश में कहीं भी आपदा आए तो ये फोर्स दुर्गम से दुर्गम रास्ते की परवाह ना करते हुए सबसे पहले वहां पहुंची है। नदियों के सामने डटकर उन्हें अपना रास्ता बदलने को मजबूर कर देने वाली इस फोर्स विंग ने ये सब हुनर गुरु जी से ही सीखे। गुरु जी सिर्फ इनको सिखाते ही नहीं बल्कि घटना स्थल पर पहुंचकर इनके साथ राहत कार्य भी करते हैं। अभी हाल ही में इस फोर्स के साथ नेपाल जाकर गुरु जी ने भूकंप से प्रभावित हजारों लोगों को दोबारा बसाने जैसा इंसानियत का कार्य किया है। भैया लड्डू खाओ, आज तो खुशी का दिन है। लड्डू अरे खाओ। कैसे लड्डू बांट रहे हो? गुरुजी आज तो कमाल हो गया। अच्छा, ये जो हमारे साथ लगते जंगल में आदिवासी रहते हैं उन सभी को सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया। अच्छा, बड़ा परेशान करते थे वो लोग हमको। जब मर्जी आते हमसे मारपीट करके चले जाते, जब मर्जी आते हमसे लूटपाट करके चले जाते। वो लोग हमसे गुरुजी हाथों से नहीं तीरों से बात करते थे। अच्छा गुरुजी, उनके अपने ही कानून और अपने ही रिवाज है। फिर जाने के बाद भी अगर कोई सामान उनको देना चाहे वो बिना मारपीट के वो स्वीकार नहीं करते। बड़े खूंखार जी, पशुओं को जिंदा चबा जाते। महुए का शराब पी के मस्त हो जाते हैं जी। लो अब सब कुछ खत्म, गुरुजी आप भी मिठाई खाइए। अरे ऐसा क्या होने वाला है जो मिठाई खाएं? गुरुजी अब तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आर्मी वाले कुछ ही दिनों में उन सबको मारने वाले हैं जी।
गुरुजी सियाने लोग कहते हैं जब हाथी पागल हो जाता है तो उसे गोली मार देनी चाहिए। अरे यही समझने में आपने चूक कर दी। ये कहावत पशुओं के लिए है, इंसानों के लिए नहीं। इंसान अगर पागल हो जाता है तो उनका इलाज किया जाता है। इन आदिवासियों को हम सुधारेंगे। हम मंत्री से मिलके आते हैं और बेटा आप लोग सामान के ट्रक भरो, उन आदिवासियों को सुधारना है। हम यूं गए और यूं आए। बेटा एक बुर्की तो खा ले, एक बुर्की तो खा ले। माँ पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? रे भगवान बता दे ना, तो ये न्यूए जुगाड़ी करे जाएगा खड़ी खड़ी। झूठ कहाँ बोले था, पूछ बापू ने, दिल का दौरा पड़ा था, पूछ। अच्छा हाँ पड़ा था दिल का दौरा, और तेरी माँ झूठ थोड़ी बोल रही। तो बिना डॉक्टर के ठीक कैसे हो गए? ये है ना तेरी माँ डॉक्टर, इसने बचा लिया। हाँ साची बेटा, मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मैंने तो कुछ न सूझी। लगी पिताजी ने याद करने, अक पिताजी छोरा भी ना ऐसा करा कि ते उक चूक होगी तो। फिर पिताजी प्रगट हो गए, बोले पानी डाल दे इनके मुंह में। बेटा मैं भाज के गई, पानी डाल लिया और इनकी सांस एकदम ठीक, फिर पिताजी भी ना दिखे। माँ कब की बात है ये? ये पिछली बनवासी की है ना? हाँ पिछली बनवासी की है। मतलब एक महीना हो गया और तू मुझे आज बता रही है? बेटा 5 दिन पहले मुझे एक सपना आया, सपने में पिताजी दिखे, बोले कैसे भी करके बेटे ने घर बुला ले। बेटा किसी अनहोनी के डर से मैंने ये झूठ बोला। माँ ये फौज की नौकरी है, कोई हंसी का खेल नहीं है। पता है कितने इम्पोर्टेंट मिशन पर मैं तेजवीर सिंह के साथ जा रहा था? सिर्फ तेरी एक इमरजेंसी कॉल की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। पहली बार तेजवीर सिंह मेरे बिना अकेला गया है जंग में। अरे बेटा गुस्सा क्यों हो रहा है? अब माँ अपने बेटे को बुला भी नहीं सकती क्या? बस कर माँ। हाँ राजेश, आदिवासियों ने हमारे सभी आर्मी वालों को मार दिया है, कोई भी नहीं बचा। तेजवीर सिंह भी मारा गया। क्या सब शहीद हो गए? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तेजवीर को? तेजवीर मारा गया माँ, तेजवीर मारा गया माँ, तेजवीर मारा गया माँ। क्या करूँ माँ, सभी साथी मारे गए माँ, सभी फौजी मारे गए माँ, सभी मारे गए माँ। ना बेटा ना, मारा गया माँ, मेरा भाई जैसा दोस्त। पिताजी थोड़ा लाख लाख धन्यवाद मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। कमीने कैसा है तू? अपने पापा का ध्यान अच्छे से रखना घर पे, मैं मिशन पे जा रहा हूँ। सुना है काफी खतरनाक है वो जंगली, अजगर नाम है उसका। जैसे ही ब्रिगेडियर ने हमें कल बताया तो मैंने भी कह दिया कि मेरे यार बलवान से खतरनाक नहीं हो सकता। अरे जब इस जंगली को झेल रहे हैं तो वो कौन सी बड़ी बात है। सभी खूब हंसे। पर यार अगर मैं नहीं लौटा तो मेरा एक काम करना, मेरी बूढ़ी माँ, तेरी भाभी सिमरन, भतीजी गुरजोत और तेरे खाड़कू भतीजे जॉनी का ख्याल रखना। मेरी मौत पे मिलने वाले कुछ पैसों के लिए तेरी भाभी को दर दर भटकने मत देना यार। और हाँ हो सके तो जॉनी को भी आर्मी में ही भेजना, आखिर मेरी मौत का बदला लेने वाला कोई तो हो। तेरा बदला जॉनी नहीं, तेरा यार लेगा तेजवीर। अपने हाथों से मारूंगा उसे, अपने हाथों से मारूंगा उसे, अपने हाथों से मारूंगा उसे, अपने हाथों।
वाह सीएम साहब, आदिवासियों को मारने का हुक्म देकर यहाँ मस्ती मनाई जा रही है। गुरुजी आप? हाँ, जब हमने सुना कि आपने आदिवासियों को मारने का हुक्म दे दिया तो हम दौड़े चले आए। आपने ऐसा क्यों किया? What nonsense! आदिवासी कल्याण मंत्रालय खत्म कर दो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारा दिमाग तो सही है, लगता है तेरा दिमाग सटक गया मंत्री। क्या बकवास कर रहे हो? कूल डाउन। सीएम है आप, अरे हार्ट अटैक आ सकता है आपको, देश को जरूरत है आपकी। वैसे भी इस उम्र में बीपी का बढ़ना बहुत नुकसानदायक है, तो क्या करें, मजबूरी है। इसीलिए साफ साफ कह देता हूँ कि तेरी सरकार मेरे 22 एमएलए की बैसाखियों पर चल रही है। अब डिसाइड तुझे करना है कि कुर्सी प्यारी है या आदिवासी। और हाँ, याद आया, चार कंधे अर्थी के, कुर्सी के चार पाए, जो चाहिए वो सोच लो, कह दुर्जन कबीराय। गुरुजी मैं मजबूर हूँ, और राजनीति में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अरे सुना है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए मच्छरों को तो मारा जाता है, आदिवासी इंसान है इंसान। गुरुजी वो इंसान नहीं, जानवर है जानवर। अरे जानवर भी पालतू हो जाते हैं अगर उन्हें समझाया जाए, सिखाया जाए। इन आदिवासियों को हम समझा सकते हैं, बदल सकते हैं, अगर आप हमें समय दो। ठीक है गुरुजी, आप इतना कह रहे हो तो मैं आपको एक महीने का वक्त देता हूँ। एक महीना हमारे लिए काफी है। ठीक है गुरुजी। अच्छा, सफर पे हम हैं, आ रहा मजा है, नाच जम जम है, हसीन वादियों में गाड़ियों में हम हैं, आ रहा मजा है, नाच जम जम है। मंजिलें हैं दूर नाग जैसे मलगाए रोड, मंजिलें हैं दूर नाग जैसे मलगाए रोड, भले काम जा रहे जुड़ रहे सब लोग, भले काम जा रहे जुड़ रहे सब लोग, हसीन वादियों में सब्र पे हम हैं, आ रहा मजा है, नाच जम जम है। इश्क तरह न मिल गाए सब यार का, इश्क तरह न मिल गाए सब यार का, मौसम में रास्ता बनाए माहौल प्यार का, मौसम में रास्ता बनाए माहौल प्यार का, हसीन वादियों में सफर पे हम हैं, हसीन वादियों में
गाड़ियों पे हम है आ रहा मजा है नाच जम जम है आ रहा मजा है नाच जम जम है। तुझे घास खोदने के लिए डीजीपी बनाया मैंने, घास खोदने के लिए बनाया, जब मुट्ठी भर आदिवासी तुम लोगों से काबू नहीं आते। सर वो है ही इतने खतरनाक, कल ही हमारे 35 लोग। गिनती मत सिखाइए मुझे, गिनती मत सिखाइए, करके दिखाइए। जैसी नौटंकी देवी वैसे नकटे पुजारी। नौटंकी? सर नौटंकी तो हमारे साथ हो रही है, सीएम ने गुरुजी को 30 दिन की मोहलत देकर सारा प्लान चौपट कर दिया। प्लान कुछ भी हो लेकिन मुझे ये बंदा चाहिए।
आज तक हमारे कबीले ने कभी हार का मुंह नहीं देखा था, पर आज तुम्हारी वजह से हमारी नाक कट गई। एक आदमी से हार कर आ गए। हमारा यकीन करो सरदार, आदि गुरु की कसम, हमने तो उसे छुआ तक नहीं। ये सभी लोग झूठ नहीं बोल सकते, इनके साथ जरूर ऐसा ही हुआ है। अगर वास्तव में ही इनके साथ ऐसा हुआ है तो पता लगाना पड़ेगा कौन था वो। चलो भाई जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जल्दी। अरे कोई तो बचा मुझे। यार रंचो, तुझे कितनी बार बोला कि ये छोटी छोटी टांगे बड़े बड़े कामों में मत घुसाया कर। ओए तू क्या समझता है, मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। अबे ओए, अबे जा किधर रहा है तू? आप तो इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखते हैं। गुरुजी आप न होते तो इस बार राजस्थान के लोग भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर ही जाते। अजी जहाँ लोग रोटी पानी के लिए तरस रहे हैं, आप उनके लिए खिलौने लाए हैं। कमाल है गुरुजी, कमाल। आप लोगों के होते हुए जब भूख प्यासे ये लोग मर रहे हैं तो हमें लगा हम इनकी भूख प्यास मिटाने आए हैं। जो बच्चे भूख प्यास से खेला करते थे, क्यों ना वो खिलौनों से खेलें। अरे अजीज खान बेटा। जी पिताजी। ये सभी ट्रक खाली करने हैं, पूरी हिम्मत से उतारो जी। शाम को ये ट्रक वापस भेजने हैं, पूरी लगन से लगे रहो। जरूर। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी आदिवासियों के इलाके में आकर, क्योंकि ना तो ये लोग इंसान हैं और ना ही जानवर, ये शैतान है शैतान। मैं तो खुद यहाँ से ट्रांसफर कराकर भागने की फिराक में हूँ। भागते तो कायर हैं तहसीलदार साहब। गुरुजी पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब से इन शैतानों के कारनामे देखे हैं तब से मैं भी सोचता हूँ कि वीरता दिखाने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है। मौत की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले को हम वीर कहते हैं, और ऐसी वीरता वीरों का गहना होती है तहसीलदार साहब। गुरुजी वो लोग शैतान हैं शैतान। अरे शैतानों को इंसान बनाने के लिए ही हम आए हैं, और इसी के लिए हमारी पूरी जिंदगी भी है। जैसी आपकी मर्जी, बताना मेरा फर्ज था तो मैंने बता दिया। वैसे आपके रात के रुकने का प्रोग्राम क्या है? वहाँ छत पर। वहाँ वहाँ रुकोगे आप? जिस जगह हमारे सेवादार सोएंगे हम भी तो वहीं सोएंगे ना। जी कहीं वो आदिवासी तो नहीं? हाय कहीं वो हमारा सारा सामान तो नहीं ले जाएंगे? उनके लिए सामान लेके आए हैं, अगर वो यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो यहाँ से ले जाएंगे।
पिताजी अब तो इन्हें हाथ दिखाने ही पड़ेंगे। अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे, आप हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। नहीं बेटा, हम इन्हें प्यार से ठीक करेंगे। पिताजी आप तो हमेशा प्यार ही सिखाते हैं, पर क्या ये लातों के भूत बातों से मानेंगे? हाँ बेटा, जब भगवान का प्यार राक्षसों को देवता बना देता है तो इन आदिवासियों को इंसान क्यों नहीं बनाएगा। अर्जुन बेटा ठीक हो? कौन हो गुरुजी? है ना पगला, गुरु भी कहता है और पूछता है कौन हो आप। आओ चलें। जी आपने मेरी जान बचाई है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। चुका सकते हो बेटा। कैसे? रहती जिंदगी को इंसानियत के कामों में लगा के। इंसानियत का अर्थ तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ आप जो कुछ भी कहेंगे वो मैं जरूर करूंगा। रिलैक्स गाइस, एवरीथिंग इज फाइन। दरोगा जी, कभी हमें भी बुला लिया करो, आखिर हमारा भी तो आपसे खास रिश्ता है। मामा जी, मिनकी को जुकामा है। मामा जी इतना गुस्सा अपने भांजे पे अच्छा नहीं लगता। ना 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 ना। ओ हो, तो आप भी है यहाँ। मेरे आदमी कहते हैं इस बंदे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो मेरा भेजा है ना भेजा, वो सारा खाली है, खाली खाली। जब तक मैं खुद ना छू लूं तो सारा विश्वास ही नहीं होता। डरा 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 डर गया डर गया क्या डर गया। हाथ लगा। Ah!
किसने कहा था उससे पंगा लेने को? हो गई अब तसल्ली? उस दिन उनको तो कोड़े मार रहा था, अब तुझे क्या मारूं? तेरे आंचला मेरी माँ दुखता है, दुखता है, दुखता है। कौन से जन्म का बदला ले रही है? अभी तो नानी भी याद आएगी तुझे, उससे बड़ा शेर बनता था ना, कबीले का सरदार हूँ, बिखर गई ना सरदारी। अब पड़ा रहे, मैं चली जंगल में जड़ी बूटी लेने, चल बोरा खड़ा हो। बबरी मैं भी आ रहा हूँ। रहने दो तुम, पड़े रहना यहीं, अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, चल चल चल। अब सारा दिन चबर चबर करता रहता है तेरा बाप, पागल समझ रखा है, पिटके आ गया गधा, चल बैठे इधर, हिलना नहीं यहां से। बबरे पता नहीं कब मिलेगी ये बूटी। गुरुजी लोगों का मानना है कि आप अपने साथ बारिश ले आए और उन्हें सूखे से राहत मिल गई। बाहर का सूखा तो ठीक हो गया बेटा, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी में जो सूखा पड़ा हुआ है उसे भी दूर करने की बहुत जरूरत है। ये लोग नहीं सुधर सकते गुरुजी, वो कहावत है ना, सांप को कितना भी दूध पिला दो पर वो जहर उगलना नहीं भूलता। बेटा अगर सांप के जहर के दांत निकाल दिए जाएं तो वो पालतू भी बन जाता है। पर गुरुजी कैसे निकालोगे ये जहरीले दांत? इन पे बाकी हथियार तो अजमाए गए लेकिन इन पे प्यार मोहब्बत का कोई हथियार नहीं अजमाया गया। अगर इन पे प्यार मोहब्बत का हथियार अजमाया जाए तो इनके जहर वाले दांत निकल जाएंगे और ये बिल्कुल नेक बन जाएंगे। जी गुरुजी। छोड़ेंगे नहीं इन्हें, सभी तैयार हो जाओ। उठा लो अपनी अपनी लाठियां, आज इन्हें छठी का दूध याद करा देंगे। पिताजी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। पिताजी मुझे बहुत जोर से आ रहा है। क्या गुस्सा? डोंट टेक टेंशन पिताजी,
किसी भी मुसीबत को आपके पास आने से पहले इस चट्टान से टकराना पड़ेगा। वाह चट्टान सिंह। ये सभी निशानियां हमारे आदि गुरु की हैं। क्या? हमारे बुजुर्ग बताते थे कि जब कोई आदमी बब्बर शेर जैसा हो तो वो हमारे आदि गुरु हैं। यही है, यही तो है वो। त्राही माम, त्राही माम, तुमने आदि गुरु से लड़ाई की, विनाश होगा विनाश। इसका कोई तो उपाय होगा बाबा। एक ही उपाय है, आदि गुरु से माफी मांगो। माफ करो आदि गुरु, माफ करो, माफ करो। हे आदि गुरु, हमने आपको पहचाना नहीं, हमसे भूल हो गई, माफ कर दो हमें। बेटा आप हमारे भटके हुए बच्चे हो, आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ही तो हम आए हैं। आप पर हथियार उठाकर हमने अपने विनाश के रास्ते खोले हैं गुरु, हम प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपने गुनाह कबूलना और आगे से न करने का वायदा करना, यही सच्चा प्रायश्चित है बेटा, यही इंसानियत है। जाओ, हमने आपको माफ किया। रुको, आदि गुरु हमसे कोई गलती हुई क्या? नहीं बेटा, शर्म है या आदमी का गहना है, पहले आपको कपड़े पहनाएंगे फिर आप ये डांस दिखाना। कपड़े? हाँ बेटा कपड़े, आइए इनको कपड़े पहनाओ। गुरुजी से प्रेरणा लेकर अब ये लोग अपनी लूटपाट की विरासत छोड़कर खेती करने लगे थे। गाय मांसाहार के लिए नहीं बल्कि दूध के लिए पाली जाने लगी थी और लोग उसकी पूजा तक करने लगे थे। पुरुष और महिलाओं ने रोजगार के लिए दस्तकारी भी सीख ली थी। शिक्षित होकर ये लोग सभी लोगों के बराबर खड़े होने लगे थे। जबकि दूसरी तरफ सभ्य समाज में मांसाहार और नशों का दौर
बदस्तूर जारी था, मतलब असभ्य लोग बन गए थे, जबकि सभ्य लोग असभ्य बनते जा रहे थे। आप तो ऑफिसर लगते हैं, हायर सोसाइटी से हैं, फिर ये राक्षसी पीना शराब क्यों पीते हैं? गुरु जी भूख लग गया, छूटती रही आदत जो लग गई है गुरु जी। आदत नहीं बदलती, अरे देखो उन लोगों को जिसे आप असभ्य आदिवासी कहते हैं, कैसे सबकी आदत बदल गई है। गुरु जी ये सब कैसे हो गया गुरु जी? राम नाम से आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल बढ़ने से आदमी अपनी हर बुरी आदत को बदल सकता है, जैसे इन्होंने बदली है। गुरु जी के आशीर्वाद से अब आदिवासी भी सभ्य समाज की तरह शादियां करके अपना घर बसाने लगे। और अब इस धरा को भी बदल कर रख देंगे। हाँ जी पिताजी। ये धरती ऐसी वैसी नहीं है। हाँ जी। अगर इसको अच्छी तरह से साफ कर दें तो ये धरती सोना उगलेगी सोना एक दिन। इसको समतल बना दो, उपजाऊ बना दो। आदि गुरु, आदि गुरु, मेरे बेटे की पत्नी को बच्चा होने वाला है। आदि गुरु उसकी जान बचा। घबराओ मत बेटा, घबराओ मत। आप चलो, हम आ रहे हैं। आप सब लोग नन्ना फरिश्ता लेकर आओ, हम अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। हाँ जी। बबरू जी। गुरुजी क्या उम्र होगी इस लड़की की बेटा? वो 13 साल है, इसी साल शादी हुई है। अरे मूर्खो, इस उम्र में तो बच्चियों का खेलने कूदने का समय होता है और आपने इसकी शादी की? ये महा अत्याचार है इन लड़कियों पे। गुरुजी हमारे यहाँ तो यही रिवाज है। भाड़ में जाए ऐसा रिवाज जिससे किसी की जान जाती हो, ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये तो लड़कियों पे महा अत्याचार है, इसे रोकना होगा। आप सब लोग आओ, इस लोटे में नमक डाल के भगवान के नाम की कसम खाओ कि लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं करोगे। लो बेटा, सबसे कसम ले लो। पिताजी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटा कुछ भी करना पड़े, उस लड़की की जान बचानी है, जाओ। जी। आपको जो गुरु मंत्र दिया है सब बैठ के उसका जाप करो, हम भी उस लड़की के लिए भगवान से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
पिताजी कमाल ही हो गया, डॉक्टर तो ऑपरेशन का कह रहे थे, बच्चा नॉर्मल ही हो गया, माँ और बच्चा दोनों ठीक है, ये सब आपकी रहमत से हुआ है। सब भगवान की कृपा है बेटा। ये क्या है? नरबली, नरबली के लिए बुलावा है गुरुजी। इस युग में नरबली? हमारा इलाका 16 कबीलों में बंटता है, हर साल एक कबीला नरबली देता है। आज 16 साल बाद हमारे डिब्रू कबीले की बारी आई है। 16 साल पहले मेरे पिता की बलि दी गई थी। और अब हम में से किसी को बलि के लिए जाना होगा। देवी देवता कभी नरबली नहीं लेते, ना वो नरबली लेने आते हैं ना खाते हैं, ये सब इंसान का बनाया ढोंग है। आज के बाद कोई बलि नहीं होगी। लेकिन वो हमारे कबीले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कौन जिंदा नहीं छोड़ेगा? अजगर, अजगर। खूंखार है गुरुजी, वो तो पैदाइशी खतरनाक है, ये नागवंशी है। जिस उम्र में बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में वो अजगरों से खेलने लगा था। गुरुजी, उसकी बीबी चाबू की भी कम खतरनाक नहीं है। बचपन में लड़कों को कोड़े मार मार कर उनकी खाल उधेड़ देती थी। हमारे यहाँ एक रिवाज है, जवान लड़के लड़कियाँ मेलों में मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद करके वहाँ से भाग जाते हैं, पर चाबुकी को कभी कोई पसंद आता ही नहीं था। वो मेले में जाती और दर्जनों लड़कों का लहू अपने चाबुक को पिलाकर वापिस आ जाती। तब एक बार उसका सामना अजगर से हुआ। चाबुक छोड़। हिम्मत है तो खुद छुड़ा ले। यहाँ नया लगता है तभी जबान लड़ाने की हिम्मत कर रहा है। मुझे भी तू नई नई लगती है,
इसलिए तू मेरे सामने इतनी चबर चबर कर रही है। तो हो जाए। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हो जाए। बोल क्या करना है? मेरे साथ शराब पीने का मुकाबला। हो जाए। हो जाए। वाह, तू ना पहला मर्द है जो पूरा मटका पी गया। तू तू कौन है? आजकल बहुत सुना है तेरे बारे में। और तू चाबुकी? अब बस अजगर की चाबुकी। में डूबा है आलम, आजा दोनों प्यार करे प्यार करे। मैं तो खो गया, मैं यहाँ हो गया, मुझे तेरा मुझे तेरा। मैं तो खो गया, मैं यहाँ हो गया, मुझे तेरा मुझे सांस मेरे चले हसे तुझे तक तुझे तक। नशिया में डूबा है आलम, आजा दोनों प्यार करे प्यार करे। वो शैतान का पुजारी है, देवताओं का नहीं। वो हर साल शैतान को एक नरबलि देता है, इसके बदले वो हमें सभ्य लोगों से बचाता है। गुरुजी, आप सभ्य लोगों से इतना क्यों डरते हो? हम डरते नहीं हैं, बल्कि नफरत करते हैं। नफरत का कारण क्या है? वजह सदैव पुरानी है गुरुजी। एक लव्य से जब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा था, तब एक लव्य ने हंसते हुए अपना अंगूठा काट कर दिया। इस द्वापर युग में हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस युग में जाति के बंधन इतने कठोर हैं कि मैं अपना अंगूठा काट कर भी उन्हें काट नहीं पाया। तो एक लव्य बेटा, हमारी पीढ़ियों के भविष्य का क्या होगा? इस युग का अंत निकट है बाबा, सभी क्षत्रिय स्वयं ही लड़कर मर जाएंगे और अगले युग में एक युग प्रवर्तक उच्च कुल में पैदा होकर आएगा।
वही हमें बराबर का दर्जा दिलवाएगा। हाँ बेटा, एकलव्य महान थे। आधुनिक धनुर्विद्या में उन्हीं की तकनीक को अपनाया जाता है। तीन उंगलियों से तीर कमान चलाया जाता है, अंगूठे का प्रयोग नहीं होता। पूरा विश्व उनका कायल हो चुका है, उनकी तकनीक को अपना चुका है। शिष्य और शिक्षक दोनों अवार्ड आज भी गुरु द्रोण और अर्जुन के नाम पर ही, जबकि शिष्य के रूप में एकलव्य जो था वो अर्जुन से कहीं श्रेष्ठ था और गुरु के रूप में गुरु द्रोण से कहीं आगे निकल चुका था। उन्हें तो बिल्कुल भूल गए हम लोग। बेटा, सिस्टम में जिस बदलाव की जरूरत है वो बदलाव देर सवेर जरूर आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमने अजगर को बदलना है, क्योंकि नरबलि दे देकर ये महाशैतानों वाले कार्य कर रहा है। हाँ, चारा खिला रहे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हम गलत जगह तो नहीं आए ना? अरे नहीं, ये डिब्रू कबीला ही है। बबरू, पानी गर्म हुआ के नहीं? वो देखो, बबरू है ना। ए बबरू, महामहिम अजगर ने बलि के लिए चुने गए आदमी को बुलाया है, 7 दिन स्नान कराना पड़ेगा उसको। बोलो कौन है वो? कोई नहीं है। दिमाग सटक गया है या रात वाली अभी उतरी नहीं है? पता भी है क्या बोल रहा है तू? मैं अपने पूरे होशियावास में बोल रहा हूँ। और हाँ, अब हम सब ने पीनी छोड़ दी है। आखिरी बार पूछते हैं, बता दो कौन है वो? चाहे कितनी भी बार पूछो, हमारा जवाब हर बार यही होगा। मरोगे तुम सब, मरोगे। खौफ का अजगर से खौफ। जाकर कह दूं अपने अजगर से, हम नहीं डरते उससे, अब हम बस अपने भगवान से डरते हैं, किसी राक्षस से नहीं। भाग जाओ यहाँ से, जाओ। बबरू ने हमें बलि के लिए आदमी देने से मना कर दिया। इन लोगों को कितनी बार समझाया है, ज्यादा चबर चबर और बुरी खबर, चाबुकी को दोनों पसंद नहीं। पता करो उन चीटियों के पर कैसे निकल आए। जाओ। कबीले वालों, हमारे मालिक का आदेश ना मानकर तुम सबने अपनी मौत बुला ली है। ए यमदूत, कौन मारेगा हमें, तू? अरे अगर हमारे आदि गुरु आ गए तो तेरा भागना भी मुश्किल हो जाएगा। आदि गुरु? हाँ, आदि गुरु, अगर तुम्हारा कोई मालिक है तो हम भी कोई रमते जोगी नहीं है, हमारा भी कोई मालिक है। कहाँ है तुम्हारा मालिक? हंसते थे खिलखिल के जो, रोएंगे यार कल को। अपने पीछे देख, वो रहा तेरा बाप। Ha ha ha!
अब इन सुपोलों को अजगर के पास ले जाओ। शरीर पर मार और लड़ाई में हार मुझे दोनों पसंद नहीं है। इकट्ठा करो सारे योद्धाओं को, जाओ। अरे आप रो क्यों रहे हो, उदास क्यों हो? आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे हम सदा के लिए जा रहे हो। अब जा कह रहे हो? यहाँ तो मालिक की दया मेहर की बरसात हो गई और जगह भी राहत कार्य चल रहा है, वहाँ बहुत सेवादार लगे हैं, पर हम कल शाम तक आ जाएंगे। गुरुजी जल्दी आना वरना बबरू भूत बन के घूमेगा। हाँ बेटा हम जल्दी आ जाएंगे। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं, क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता, हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीड़ी, दिखे चलती जहां, पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना, धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। अजगर क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि ये सब गलत है महामहिम, आप नहीं होगी बलि इस कबीले से। मतलब जो सुना था वो सच था, अब इस कबीले में से एक की नहीं एक एक की बलि चढ़ेगी। चला दो पूरे कबीले को, बंदी बनाओ सबको। बचने ना पाए कोई खच्चर, बलि देंगे पहले चक चक कर। Thank you.
मुंडू कबीले का सरदार, महामहिम से विनती करता हूँ कि बबरू हमारा साथी रहा है, अगर ये माफी मांग ले और कबीले में से किसी एक की बलि देने का हुक्म दे तो इसे जुर्माना लगाकर एक मौका और दिया जाए। हरगिज़ नहीं, हमने कोई गलती नहीं की जो हम माफी मांगे। आदि गुरु ने जो बोला वो हमने किया और इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं है। इस कबीले से कोई बलि नहीं होगी। वाह मेरे भूत, पहली बार कोई ढंग की बात की है। इसकी बलि होगी आज। चलो उसे। भैरव काल की जय हो, भैरव काल की जय हो। छोड़ो उसे। गुरु? हाँ ये है हमारे आदि गुरु, हमारे रखवाले और तुम जैसे नीच के लिए मौत का संदेश लाने वाले। अपशगुन, घोर अपशगुन, अली की बेदी से बलि उठाकर इसने घोर पाप किया है। इस पाप की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे पाप की सजा तो भगवान देते हैं। यहाँ के हम भगवान हैं। हमें तो तू इंसान भी नजर नहीं आ रहा। मैं वो आज करूं जो अपने शिकार को अपनी फुंकार से खींच कर बिना चबाए निकल जाता हूं। अरे ओ देखना, कहीं आम के भुलेखे बॉम्ब ना निकल जाना, पता नहीं चलेगा कितना फटा है और कितना बाकी रह गया। बड़ा गुरूर है तुझे खुद पर? खुद पे गुरूर नहीं है, उस भगवान पे और अपने सदगुरु पे बहुत गुरूर है। आज रखरू टूटेगा। आज मैं तुझे खुद अपने इन हाथों से मारूंगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है, करके देख ले। आज ये लड़ाई फैसला करेगी, जो जिंदा रहेगा वही जीतेगा। जा, इस युद्ध के लिए तैयार होके आ जा। तू भी जा, कहीं दिल में मलाल न रह जाए कोई।
बेटा ये हमारे राजा महाराणा प्रताप हैं। निहत्ते पे वार नहीं करते बेटा। सामने से कभी दुश्मन निहत्था मिल जाए तो वो अपनी दूसरी तलवार उसे दे देते थे, क्योंकि महाराणा प्रताप कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। ए सांप के बच्चे, रुक क्यों गया? डर गया क्या हमारे आदि गुरु से? बेटा हम औरत से नहीं लड़ते। लेकिन मैं तो उठा सकती हूँ ना मर्द पे हाथ। बेटा औरत को हम बेटी या माँ के समान मानते हैं। औरत का धर्म है अपने पति को बचाना। ये ताकत अजगर को बचाने में लगा बेटा। अपने अजगर को क्या मारा? पहले का निकला भी सारा बाहर आ गया।
गुरुजी, ये 10 कबीलों के सरदार हैं। ये तो कमाल हो गया, 16 कबीलों में से 11 कबीलों ने आपको अपना सरदार मान लिया। सरदार? बाकी के 5 कबीले भी आपको जल्दी समर्पण कर देंगे। बेटा, अगर वास्तव में आप हमें अपना सरदार मानते हो तो आपको हमारी 3 बातें माननी पड़ेंगी। नंबर 1, आप कोई नशा नहीं खाएंगे, आप शराब और महुआ नहीं पिएंगे। नंबर 2, मांस अंडा नहीं खाएंगे आप। और नंबर 3, पति पत्नी का रिश्ता सही है, उम्र में बड़े हैं तो माँ बाप के समान, बराबर के हैं तो बहन भाई के समान, और अगर छोटे हैं तो अपने बेटे बेटी के समान मानना है, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। क्या आपको हमारी ये 3 बातें मंजूर हैं? हाँ, हमें मंजूर है। वाह पिताजी, हम सफल हो गए, माशाल्लाह, आपने तो कर दिखाया। पिताजी, गजब कर दिया आपने। वी सैल्यूट यू पिताजी। सैल्यूट उस भगवान को जिसने ये सब किया है बेटा। क्यों किया? मैंने हर साल तुम्हें बलि चढ़ाई थी, उससे पहले मेरे पूर्वजों ने ये रेत जलाई थी, लेकिन आज जब मुझे बचाने का वक्त आया तो तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? जो खुद को नहीं बचा पाया वो तुझको क्या बचाएगा अजगर? ये सब तेरी वजह से हुआ है। शुक्र मना शुक्र आदि गुरु का, जिसने तुझ जैसे राक्षस की जान बख्श दी। वो आदि गुरु नहीं था, उसकी चाल, उसकी ढाल और उसके लड़ने का अंदाज महाराणा से मिलता था। वो तो मिलेगा ही, उन्हीं के वंशज से ठहरे हमारे आदि गुरु। क्या उनके वंशज? हाँ, महाराणा के बेटे मान सिंह के वंशज हैं ये, महाराणा की मृत्यु के बाद सिद्ध हो गए थे। वही मान सिंह जो पंजाब में जाकर गुरु हरगोविंद सिंह जी के धर्मयुद्ध में साथ दिया था। हाँ, वही मान सिंह, उन्हीं के वंशज हैं हमारे आदि गुरु। बबरू, ये क्या है सब? इनमें भूतों का वास है, कुछ कीजिए इनका। अरे कोई भूत नहीं होता बेटा, और कितने भूत हैं इसमें? कल तक तो 12 थे, आज 18 है। 18 भूत है मेरे गुरुजी? औरत है या बस 18 भूत नहीं घूम रही है? अरे बेटा सुनो ध्यान से, कोई भूत प्रेत नहीं होता। अगर भूतों को आना है सूखी रोटी खाने वालों के अंदर क्यों आएंगे? अरे भूतों को आना है तो उनके अंदर आए जो सुबह का खाना अपने इस देश में खाते हैं और रात का खाना किसी और देश में जहाज पे चढ़ के जाते हैं। भूत नहीं होते, ये अज्ञान है। असल में इस लड़की को दिमागी दौरा पड़ा है, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अरे ओ बबरू, सबको समझा, कोई इन पाखंडियों के चक्कर में ना पड़े, ये पाखंडवाद है। अरे ओ पाखंडी, तू भी ये पाखंड छोड़ दे। मुझे तो माफ कर दो आदि गुरु, मेरा नहीं धंधा है आदि गुरु। अरे लोगों का खून चूसना धंधा नहीं होता। मुझे भी कुछ ज्ञान सिखा दो, मुझे भी इंसान बना दो, इंसान बना दो आदि गुरु। अरे हम पाखंडियों को ही इंसान बनाते हैं और तुझे भी इंसान बना के छोड़ेंगे बच्चू। वाह, क्या चाहिए तेरे को है? देख 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 कौन आया, देख 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 भाई, डीजीपी आया है। क्यों डीजीपी, अब तो खुश है ना? अब तो पैसे भी मिल गए। खुश क्यों नहीं होऊंगा सर, लेकिन सर अकेला पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर सकता सर, हमें थोड़ी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। मुझे मालूम था
कि मेरा आदमी कितनी गंदगी खा सकता है, इसीलिए मैंने आर्मी का बंदोबस्त पहले से ही कर दिया। मेजर बलवान अपने दोस्त का बदला लेने के लिए आग का अंगार बन गया। वही लीड करेगा पूरी पुलिस फोर्स को। एक बात और याद रखना, इस कदम के पीछे मेरा सारा धंधा दांव पर लगा है। नाकामी नहीं चाहिए मुझे डीजीपी, नाकामी नहीं चाहिए। ओके सर। पिताजी इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ओ, आर्मी के साथ पुलिस भी है। और इस बार ऑर्डर ऊपर से आए हैं। अच्छा, उनका प्लान यही है कि जो भी सामने आया उसे खत्म कर दो। अच्छा, उन्हें आज घर चाहिए, किसी भी कीमत पे, जिंदा या मुर्दा। वो कभी भी हमला कर सकते हैं। बेटा, उन्हें अजगर क्यों चाहिए? आखिर अजगर ने ऐसा क्या किया है? पता करें ना आप। इन सबको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है और वो उसका सरगना है। बेटा, हमें ये बात नहीं लगती, क्योंकि कहावत है ईंट उठाओ तो नीचे तीन तीन सरगने मिलते हैं, और आजकल तो ईंट के ऊपर बैठे मिल जाते हैं। तो हमें लगता है कि बात कोई और है। आप पता करके बताएं बात क्या है। ठीक है पिताजी, अगर आपको लगता है कि वजह कोई और हो सकती है तो मैं पता लगवाता हूँ। ठीक है। Come in. सर, मेजर बलवान आपसे मिलने आए हैं। भेजो उनको। ओके सर। हेलो मेजर बलवान। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। और क्या लेंगे आप? अजगर, जिंदा या मुर्दा। आई एम इम्प्रेस्ड। तो आगे की क्या प्लानिंग है सर? आज शाम को मीटिंग है सभी ऑफिसर्स के साथ, वहीं बैठकर डिसाइड करेंगे। और हाँ, तब तक आप आराम कीजिए और अपने जवानों को भी कहिए आराम करने को। फौजी मिशन पूरा होने से पहले कभी आराम नहीं करते सर। मिलते हैं शाम को। हेलो अर्जुन। यस सर। बलवान आया था, जो आदिवासियों को मारने का हमें मिशन मिला है उसमें हमारी पुलिस फोर्स को वही लीड करेंगे। मैं कहता हूं कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, जाकर के उस आदि गुरु को अपना सरदार मान लेना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, हम पांच कबीले वाले इतनी बड़ी फोर्स और आर्मी के साथ कैसे लड़ पाएंगे? क्या सोच रहे हो सरदार? कई बातें सोच रहा हूं। पहले की ये कि उसने मुझे जान से क्यों नहीं मारा, जबकि उसके पास मौका था मुझे मारने का। और दूसरा कि वो मुझे जिंदा क्यों रखना चाहता है, जाके पता लगाना पड़ेगा। पिताजी, ये मेजर बलवान सिंह। प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद बेटा। ये इनके माता पिता आपके हरियाणा में अनुयायी हैं। जी जी। वैसे नास्तिक है ये, लेकिन आपके गानों को बहुत पसंद करते हैं, अक्सर गुनगुनाते रहते हैं ये। अच्छा। गुरुजी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब तो आपके अनुयायियों के खून का ही कमाल है। बॉर्डर पर एक टास में जख्मी होने पर मुझे 3 यूनिट खून चढ़ाया गया, बस उस दिन से हरकतें शुरू हो गई। पिताजी देखा, एकदम हाजिर जवाब है इनका। हाँ बेटा, हम हरियाणा में रहते हैं, हमें पता है इनकी हाजिर जवाबी का। गुरुजी, अटैक तो हर हाल में होगा, बेहतर यही है कि आप अपने सेवादारों और अच्छे लोगों को लेकर जंगल से चले जाइए। बेटा, अब ये लोग सुधर चुके हैं, इस संकट की घड़ी में हम इन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? गुरुजी, 3 दिन और सिर्फ मैं इस अटैक को रोक सकता हूं। अगर 3 दिन में हमें असगर मिल गया तो ये अटैक नहीं होगा, और अगर नहीं मिला तो मजबूरन हमें यह अटैक करना पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, जय राम जी। जय राम जी की बेटा। इन्हें अजगर ही चाहिए ना, तो दे देते हैं, नहीं तो बहुत खून खराबा होगा यहाँ पे। नहीं बेटा, अजगर इन्हें जिंदा नहीं, मुर्दा चाहिए।
वो गिरफ्तार करने से पहले ही अजगर को मार देंगे, इसलिए हमने ना की है। अगर एक आदमी के मरने से सबकी जान बचती है तो हमें दे देना चाहिए। बेटा, फिर बलि देने में और इसमें क्या फर्क रह जाता है? अजगर अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गया है और उसकी जान की रक्षा करना हमारा धर्म बनता है। हाँ सर, बलवान यही है सर। बलवान। हेलो सर। मेजर बलवान, क्या चल रहा है? सर, हम परसों सुबह 5:30 बजे अटैक करने जा रहे हैं। अरे परसों मुहूर्त निकलवाकर अटैक करोगे क्या? हैं? परसों नहीं भाई, कल अटैक होना चाहिए। कल अटैक करो। सर वो थोड़ा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम कल सुबह अटैक करोगे, दैट्स ऑल। अरे मार गिराओ सभी आदिवासियों को, मारो छड़ों को। देखिए गुरुजी, इतना समझाने के बाद भी ये लोग दारू और सिगरेट पी रहे हैं। अरे सिगरेट, शराब, मास्क कभी नहीं खाना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत घातक हैं। लेकिन पिताजी, आपको ये सब कैसे पता? क्या आप बता सकते हैं? अरे बता ही नहीं सकते, हम तो आपको दिखा भी सकते हैं, ये सेहत के लिए कितना खतरनाक है। लो आपको अभी दिखाते हैं। ये सिगरेट से हो रहा है। यह शराब पीने से हो रहा है। देखा? और ये मांस खाने से है। मैंने आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, आज मैं अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूं। हम सब आपके शरण में आना चाहते हैं। ये किस लिए बेटा? जो भी हमारे गुरुजी होते हैं या पूजनीय होते हैं, हम उनको ये भेंट देते हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। गुरु कभी किसी से कुछ नहीं लेता, क्योंकि भगवान अल्लाह वाहेगुरु गॉड खुदा रब जब किसी से कुछ नहीं लेता तो गुरु क्यों लेगा। हमारे सभी धर्मों में यह बात लिखी हुई है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी गुरु पीर पैगंबर अवतार हुए हैं, कभी किसी से कुछ नहीं लिया। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी बचपन में खेती बाड़ी करते थे, गुरुकुल में पशु चराते थे। उन्होंने लिखा कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सिख धर्म के 10 गुरु साहिबान सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा दशानुवां दी कीर्त करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। और ईसाई धर्म के पैगंबर ईसा मसीह सारी जिंदगी करके खाया, इसलिए उन्होंने लिखा हार्ड वर्क करो और गॉड्स प्रेयर करो। क्योंकि संत कहते हैं मांगन मरन समान है, अरे मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। तो संत कभी किसी से लेते नहीं, बल्कि मालिक से दुआ करते हैं सबके भले के लिए, सबको सुखी करने के लिए। उठो बेटा। आदि गुरु, फिर भी आप
ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हैं? ये सारी फोर्स मेरे लिए आई है, मैं इनका गुनाहगार हूं, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैंने ही दुर्जन सिंह के बेटे को मारा था। क्यों मारा बेटा? वो कमीना हमारी बहन बेटे को उठाकर ले जाता था। बारह तेरह साल की लड़कियों को भी नहीं छोड़ा उस सभ्य राक्षस ने। तब मैंने उसे अपने घोड़े के पीछे बांधकर कसीट कसीट कर उसे मार डाला। मैंने ही मारा था उसे। आदिगुरु, मैंने आज तक कितनों की बलि दी है, लेकिन आज मैं इन सब की जान बचाने के लिए अपनी खुद की बलि दूंगा। नहीं, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। नहीं ना बेटा ना। आत्मघाती महापापी होता है, रोको उसे। अजगर, अजगर। आदिगुरु, आदिगुरु, सेना अजगर को उठा के ले गई। आदिगुरु। अच्छा, हाँ। आप लोग फिक्र मत करो, हम बचाएंगे अजगर को। तुझे मारने की, मेरे दोस्त तेजवीर को मारा था ना तूने, आज सिखाता हूं कि मौत क्या होती है। गुरुजी, अरे नहीं पिताजी। क्या पिताजी, अपने बच्चे का ही नुकसान करवा दिया ना। आप खुद कहते हैं कि नशा मत करो, नशा मत करो, लेकिन हमारा धंधा तो चौपट हो गया ना। ये देख, अरे गरीब होता जा रहा हूं मैं, पाई पाई के लिए तरस रहा हूं। ये मांग के डाली है मैंने, मांग के। और ये मेरी पत्नी की है, कमाल पत्नी की है। लगता है तेरे आश्रम में भर्ती होना पड़ेगा। दंदन सतगुरु तेरी आसरा, दंदन सतगुरु तेरी आसरा। तूने तो हमारा सेक्स रैकेट का धंधा ही बंद करवा दिया। घर का राज समझा, हर वैश्य को बेटी बनाता चला जाएगा। अरे हमें भी जवाब देना होता है, हमारे भी ऊपर कोई है। ये है हमारे ऊपर वाले, वर्ल्ड ड्रग माफिया।
मैंने तो बलवान को, तेजवीर को और तो और आदिवासियों को मोहरा बनाया अपने शतरंज का, और तो और मैंने पुलिस को भी सुपारी दी तुम्हें मारने की। मुझे मालूम था कि तुम आदिवासियों को बचाने जरूर आओगे और वहां से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। तूने वो भी चौपट कर दिया। अरे आदिवासी सुधार दिए, वाह क्या बात है। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब दुर्जन सिंह खुद आया है इस बब्बर शेर को इसकी मांद से निकालने। अरे बब्बर शेर अगर मांद में रहता तो सोया रहता, उसको बाहर निकाल के आपने बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। You will talk too much. Don't waste time. Come to the point. Officer! हाथ अगर ऐसे रहता है तो गुंडों और राक्षसों को भक्त बना देता है, और अगर हाथ ऐसे हो जाता है तो राक्षस भी त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठते हैं। आपको कौन सा चाहिए? फायर! अच्छा तो आपको ये चाहिए, तो आते हैं। वर्दी पहना के लाया है, ये नकली शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर कोई असली मर्द है तो सामने लेके आ। अबे मारो कुत्तों मारो। अबे भागो कुत्तों, पकड़ो उसे। Thank you.
क्यों? तेरे भ्रष्ट शेर तो सारे ढेर हो गए, असली है क्या या फिर भ्रष्टाचार का ही खजाना है तेरे पास? रहीम को। राम रहीम इंसान? राम रहीम इंसान? संत गुरमीत राम रहीम? संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान? मैं इन्हें नहीं मार सकता, कैसे मार सकता हूं इन्हें? इनकी वजह से तो मेरी थैलेसीमिया से पीड़ित बेटी को हर महीने रक्त मिलता है। जो औरों की जान बचाते हैं, मैं उनकी जान कैसे ले लूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सरहद पे जब मैं घायल था, इनकी खूनदान की वजह से मुझे नई जिंदगी मिली। अब मैं इनकी जिंदगी कैसे ले सकता हूँ? मैं ननु किवें मार सकता? मेरे अन्ने बाप नू एना दे आई बैंक तो नई अखा मिलिया। मैं ननु नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। इनकी वजह से मेरी माँ को नए गुर्दे मिले हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? नहीं मार सकता हूँ मैं इन्हें, नहीं मार सकता हूँ। मेरी माँ सच कहती थी, अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ गुरुजी की वजह से। माँ कहती थी, जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। अबे तेरी तो बलवान, ये ले तेरे गुनागार। बात करनी है? ऐसे आदमी मर सकता है गुरुजी? अरे कोई समझ, कहते थे बिग डॉन है, बड़ा ही स्मॉल। आदि गुरु कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा आप तो इंसान बन गए, पूरे समाज में पता नहीं कितने इंसान राक्षस बन के घूम रहे हैं। हमें जाना होगा उन्हें बनाने इंसान। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है। बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। मनाएंगे रात 10 बजे तक, बल्ले बल्ले गाएंगे धूमधाम से।
से सारा दिन पार्टी मनाएंगे, रात 10 बजे तक बल्ले बल्ले गाएंगे, पार्टी हम कानून अकॉर्डिंग मनाएंगे, 10 बजे के बाद बैंड हंसे हंसाएंगे। आंख से आंख मिला रहा और आसमान में जा रहा, नली दे अनार उड़ते जाना, बड़ी बड़ी धूमधाम से हमारे धूम 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 धूमधाम से। इश्क की शराब, इश्क का शबाब, इश्क होगी तो इश्क हमारा ख्वाब, रोग है इश्क दवा महबूब, उसके इश्क में डूब के मजे ले खूब, रोग है इश्क दवा महबूब, उसके इश्क में डूब के मजे ले खूब। पार्टी बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से मनाओ यार, बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूम धूम इश्क है राइट बाकी सब रॉन्ग, ओ इश्क में धुत गाए इश्क के सॉन्ग, खुशी का देंगे साथ चाहे दिन हो या रात, सच साथ जिएंगे छोड़ेंगे सब रॉन्ग, दुखी का देंगे साथ चाहे दिन हो या रात, सच साथ जिएंगे छोड़ेंगे काम रॉन्ग। पार्टी बड़ी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से, न गंदी हो शराब न गंदा हो कबाब, पीते इश्क की शराब, बड़ी बड़ी धूमधाम से।